हे गाइस, तो बहुत से रूमर्स और अजम्पशन फैल रहे हैं इंडिया में इसके रिगार्डिंग कि पबजी अनबैन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तारीख को होगा, क्या हमें एरेंजल 2.0 अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमारी आईडी बैन तो नहीं हो जाएगी। तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं ये बोलूँगा आपको, लेस नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस देन नो नॉलेज। कहने का ये मतलब है कि आपको ये लगता है कि जैसे हम पबजी स्टार्ट करते हैं, जो टेंसेंट लिखा आता है अगर वो गेम से हट जाए तो गेम चाइना फ्री हो जाएगा और हम इजीली खेल पाएंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं। एक्चुअली जो पबजी मोबाइल गेम है वो पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन का है, और पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन ब्लू होल कंपनी की है, और जो ब्लू होल कंपनी इसको ओन करती है गेम को, उसके 10% शेयर टेंसेंट के पास हैं। मतलब सेकेंड हाइएस्ट शेयर ब्लू होल कंपनी के वो टेंसेंट एक्वायर करके रखा हुआ है। लेकिन जो कल पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन की तरफ से रिस्पॉन्ड आया, उसमें ये लिखा हुआ था उन्होंने टेंसेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप तोड़ दी है, उसके स्टॉक अभी भी इसमें है, साथ ही जो पबजी पीसी हुआ करता था वो ब्लू होल कंपनी ने अकेले डेवलप किया है, लेकिन जो पबजी मोबाइल हम खेल रहे हैं वो ब्लू होल कंपनी साथ ही टेंसेंट दोनों ने डेवलप किया है। अब अगर उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप से टेंसेंट को आपने हटा भी दिया तो वो डेवलपर तो रहेगा, और वो साथ ही ये भी रहेगा कि स्टैक होल्ड करता है इसमें, तो यही तो रियल इशू है गाइज। तो क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप हटाने से ये टेंसेंट फ्री हो जाएगा, चाइना फ्री हो जाएगा ये गेम? क्या एक डेवलपर को आप हटा सकते हो जिसने डेवलप किया, उसी से इन्फॉर्मेशन छुपा के रख सकते हो, जो इस पर इन्वेस्ट कर चुका है, जो कंपनी आधी 10% ओन करता हो, उसी से आप इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हो? हो ही नहीं सकता यार, कर ही नहीं सकती ब्लू होल कंपनी। यार तुम किसी चीज़ के मालिक हो और तुम ही से इन्फॉर्मेशन छुपा के रखे, ये तो मजाक हुआ ना भाई, ये क्या बात हुई? तो यही एक रीज़न है भाई पबजी बैन का, यही रियल रीज़न है। और जिस तरह के बॉर्डर में हालात है ना अभी इंडिया चाइना, उसके हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता पबजी वापस आएगा। और अगर अब आपको पूरी जानकारी पता चल गई है तो आपको क्या लगता है पबजी वापस आएगा कि नहीं आएगा? साथ ही मैं आपको एक प्राइवेट पॉलिसी दिखाता हूँ जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना से डाटा शेयर करेंगे, हम तुम्हारा डाटा देंगे। और खुद ही सोचो यार कितनी परमिशन मांगता है गेम, गेम सबसे ज़्यादा परमिशन मांगता है आपके फ़ोन की, बात करनी तो माइक की परमिशन, कुछ करना है तो कैमरे की परमिशन, अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो पूरी परमिशन ले लेता है फ़ोन की। और फिर बोलो कि भाई डाटा लेना हो तो आपका फ़ोन तो भाई वही चला रहा है मेरे को, एक तरह से पूरा डाटा है उसके पास, पूरी गैलरी एक्सेस है। और उसके बाद साथ ही आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगी, टिकटॉक जब बैन हुआ था उसके टाइम पे एक प्राइवेट पॉलिसी आई थी जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जितना भी डाटा है इंडिया का वो इंडियन सर्वर में ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टेंसेंट को डाटा दिया। तो खुद ही सोचो ना यार कि जब वो तब भी डाटा दे रहा था तो आप क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो डेवलपर है, कोई एक छोटा सा एम्प्लॉय नहीं जिससे छुपा लिया जाए। साथ ही मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए कि अभी भी आप पबजी खेलोगे कि नहीं खेलोगे, और पबजी अनबैन होगा कि नहीं होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो कर ही देना यार।